दोस्तों यही टायर को चेंज कर रहे हैं, तो दोनों जोड़ी को चेंज करना है। यही है गाड़ी का फिल्टर, इसी से सांस लेता है इंजन। दोस्तों अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये लोग थोड़ा टायर का दाम कम बोल रहे हैं। दोस्तों मेरा टायर लग गया दोनों साइड, इधर भी उधर भी। अभी क्या MRF का टायर है ये? तो आज मम्मी खाने में बनाई है, क्या बनाए बताइए? चावल और मछली। तो कोई बात नहीं, हो सकता है पापा इस बार मेघालय साइड से आएंगे, तो हो सकता है कि सागर भी उतर जाएगा तो हम चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग रामगढ़ आए हुए हैं और हम लोग अभी रामगढ़ में हैं, और अभी सुबह के भी 10 बज रहा है। तो हमारा गाड़ी का कुछ काम भी था, तो अभी देख रहे हैं हम लोग घर से बाहर हैं, ये मेन रोड के साइड में है, तो गाड़ी में टायर लगाना। आप लोग भी देखे थे कि टायर बहुत परेशान कर रहा था, आगे का टायर था तो उसको लगाना था। तो रामगढ़ में क्या है, थोड़ा पहचान का आदमी लोग है, थोड़ा सस्ता वगैरह मिल जाता है, तो उसके लेकर के यहीं पे बनवा रहे हैं। टायर मिस्त्री भी अपना है और टायर जहाँ से लाना है वो भी अपना ही है, थोड़ा सा रेट का फर्क पड़ता है, इसीलिए रामगढ़ में सेठ जी को बोले थे, बोले ठीक है जहाँ 2-4 हज़ार कम में मिलेगा वहीं लगा लेना। दोस्तों यही टायर को चेंज कर रहे हैं, तो दोनों जोड़ी को चेंज करना है क्योंकि जोड़ी टायर इसको बेचना पड़ता है। तो जोड़ी कोई भी लेगा तो जोड़ी ही लेगा, एक टायर लेता नहीं है, तो जोड़ी ही बेचेंगे तो जोड़ी ही आएगा मेरे पास। तो ये टायर देखे तो परेशान किया था हम लोग को, तो इसके साथ वो भी बेचना पड़ रहा है। तो यही टायर हमारा बिकेगा अभी, दोनों बिक जाएगा, दाम भी अच्छा मिल जाता है। अभी गोटी है इसमें, उसके बाद नया टायर उसी में मतलब माइनस प्लस करके नया टायर हम ले लेते हैं। चलिए मंगाते हैं टायर, लगवाते हैं। दोस्तों अभी देखिए टायर हम लोग लेके आ गए, दोनों नया मिल गया, ये रहा एकदम, अभी पूरा नया टायर चमक रहा है पूरा मस्त। इसमें कौन सा पाउडर छीटे आप बोलिए? अब तो शर्माने लग रहे, बताइए कैसे थोड़ा ही शर्मा रहे। दोस्तों कौन सा पाउडर लगाया बताइए? वो पाउडर लगता है, टायर का पाउडर अलग आता है, वो लगाया जाता है चिपके नहीं, कई बार नया कारण चिपक जाता है, इसे चिपके नहीं उसके लगाया जाता है पाउडर। पाउडर लगा के ही फिट करेगा अभी। तो ये वाला भी हो गया दोस्तों, एक ये भी बचा हुआ है, और ये रहा ट्यूब देखिए, अब इसमें लगेगा पूरा ये सब सारा। देखिए अच्छा लग रहा है, दोनों टायर नया हो जाएगा तो अपना पंचर होने का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों जब टायर का काम हो रहा तो सोच रहा फिल्टर भी साफ़ करा ही ले, काफ़ी दिन हो गया नया लगाए थे, रायपुर में लगा था, साफ नहीं हुआ था। यही है गाड़ी का फिल्टर, इसी से सांस लेता है इंजन। प्रेशर मार के साफ कराएंगे तो चढ़ाई उड़ाई खिंचाई में भी ठीक रहेगा, यही सब साफ कराना भी चाहिए। ये कितना गर्दा प्रेशर मारेंगे दिखाई देगा अभी। फिल्टर तो दोस्तों हमारा पूरा साफ हो गया, ये देखिए अब पूरा ऐसे भी पूरा धूल निकल गया, अंदर भी पूरा क्लीन हो गया है। अब थोड़ा गाड़ी को अच्छे से खींचेगा। टिका है ये, देखिए ना देखने का तो चीज़। हम लोग इसी जोड़ के खरीदते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम तो एकदम साफ सुथरा काम करते हैं। हाँ तो इसीलिए जगह साथ है, टायर किनवा के लाए। दोस्तों अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये लोग थोड़ा टायर का दाम कम बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा तार निकला हुआ उसी को लेकर। अभी देखिए कितना में बात होगा, अभी ये टायर आ गया इसको फिक्स करना पड़ेगा, ये टेलीवर लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों मेरा एक टायर अभी कंप्लीट हुआ, अभी मेरा अभी हाथ से कस ले रहे हैं, खोलने टाइम मशीन से खोलते हैं। अभी देखिए कसने के बाद फिर उस साइड का टायर अभी चेंज करेंगे। खाली गाड़ी रहता है दोनों एक साथ खोल लेते हैं, लेकिन लोड गाड़ी से दोनों एक साथ नहीं खोले हैं। दोस्तों मेरा टायर लग गया दोनों साइड, इधर भी उधर भी। अभी क्या MRF का टायर है ये, देख सकते हैं बढ़िया टायर है, यही पता है बढ़िया टायर है तो इसी को लगा लेते हैं हम लोग। इस साइड भी हो गया, अभी क्या है कि नया टायर में क्या है गिट्टी थोड़ा ज़्यादा फंसता है, तो गिट्टी निकालना पड़ता है। तो हम लोग सब काम कंप्लीट हो गया, अब घर जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए सौरभ लेने के लिए आया है, सौरभ और ये तो जान बैठ रहे मेरा छोटा भाई रिंकू भी है, सब साथ में लेने आया है। तो हम लोग चले गाड़ी लेकर के, हम तू गाड़ी में, हम लोग दोनों आदमी गाड़ी में जा रहे हैं, सागर और सौरभ बाइक से निकल जाएगा। तो ठीक है निकलते हैं यहाँ से, अपना काम हो गया सब कंप्लीट। दोस्तों क्या है कि गाड़ी को थोड़ा घर से दूर खड़ा करना पड़ता है, मेन रोड में हमारे घर तो बहुत अंदर है ना, इसलिए वो बाहर में रहता है 4 लाइन साइड में, और हम लोग फिर बाइक से चले जाते हैं। अभी सौरभ हमको छोड़ के फिर पापा को जाके लेके आ जाएगा। तो देखिए अभी पापा निकल रहे हैं और हम लोग भी निकलने वाले अब। दोस्तों अभी शाम के 3 बज चुके हैं और घर तो हम लोग आ गए। तो आज मम्मी खाने में बनाई है, क्या बनाए बताइए? चावल और मछली। तो मछली दोस्तों आज मम्मी बनाई है, पापा का तो बहुत खाया, आज मम्मी का हाथ का खाएंगे, मम्मी का भी तो बहुत खाया है अभी बहुत दिन बाद। तो चलिए आप जा रहे हैं मछली, एक महीना के बाद आया है। हाँ पूरा एक महीना के बाद, एक महीना हो गया अब, इसलिए चावल और मछली बना दिए हैं। दोस्तों अभी सागर भी खाना खा के वापस चला गया गाड़ी के पास, और अभी पापा आने वाले थोड़ी देर में खाने के लिए। और दोस्तों जब पापा गोवा में थे तो आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि शुभम को गोवा लेके क्यों नहीं आए, वो घर में छूट गया। कमेंट भी आता शुभम घर में रो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इस बार मेघालय से पापा आएंगे तो हम चढ़ जाएंगे गाड़ी में, सागर भी उतर जाएगा इस बार, तो गोवा का ट्रिप करवाएंगे इस बार फिर से, और हम घूमेंगे जा करके। दोस्तों टायर फिट करा के आ गए हैं, गाड़ी अभी लगा दी है मेन रोड पर है, और हम आ गए घर खाने के लिए। देखते हैं घर में
मछली बना है, टमाटर चटनी है, ये थोड़ा बैंगन का भरता भी है, बैंगन का सब्जी है। थोड़ा लेट हो गया हमको आने में, क्योंकि काम करा रहे थे। काम में कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है। काम में आदमी रहने से क्या है कि समय का पता ही नहीं चलता है, और दिन भी ऐसे छोटा कर रहा है, और मौसम भी थोड़ा ठंडा का भी है। दोस्तों खाना खा लिए, अब जा रहे देखने के लिए घर में कितना काम क्या हुआ, वो सब देखना पड़ता है। बहुत दिन बाद आए तो देखते हैं कहां से कहां तक मेरा काम पहुंचा हुआ, भी देखना हमको। ठीक है, निकलते हैं घर तरफ। अभी दोस्तों अभी घर के पास आ गए हम लोग। ये देखिए हमारा घर इतना अभी बन गया है। दोस्तों बाहर का तो साइड का प्लस्तर चल रहा है, अभी एक साइड हो गया है, सामने साइड में लगाया। अभी बम्बू वगैरह लगाना पड़ता है, तो लगा कर किसी से करेगा अभी, फिर उस साइड का बच जाएगा, उस साइड का भी करेगा। बालकनी देख सकते हैं, ये मेरा बालकनी है, तभी वहाँ पर काम चालू है अभी। दोस्तों अभी क्या है कि अंदर ग्रेनाइट लगना स्टार्ट हो गया है, तो इधर देखिए इधर रखा हुआ है ये सामान, और यहाँ से पूरा लगना स्टार्ट हो गया है। इधर इतना सब कुछ लग चुका है, और ये वाले रूम में भी ये सभी भी सामान रखा हुआ है पूरा। ये देखिए ये पूरा हो गया है इधर का, नीचे का मतलब काम लगभग कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से पार्किंग, फिर ऊपर छत में जाना है। इधर तो अभी बहुत काम बाकी है, बाथरूम का भी पूरा काम बाकी है। दोस्तों देख सकते हैं नीचे ग्रेनाइट लगवाया है, क्योंकि ये आना जाना इसी पे ज़्यादा होता है, तो उसके लेकर के लाइफ टाइम में ज़्यादा है इसका, तो वही लगा दिया यहाँ पर। देख सकते हैं अच्छा है, कलर भी पसंद किया सौरभ लोग, यही पसंद किया था, हमको भी अच्छा लग रहा है, अच्छा चॉइस कलर है इसका। दोस्तों चलते ऊपर, देखते हैं ऊपर में क्या कितना काम हुआ है अभी। अभी दोस्तों यहाँ पर भी टाइल्स का काम हो रहा है, इसलिए पूरा सामान छिटा हुआ है, अभी बालू वालू रखा हुआ है, ये सारा सीढ़ी का कटिंग करके रखे हैं। और देखिए इधर तो पूरा काम कंप्लीट, इधर भी बहुत अभी काम बाकी है, पूरा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर टाइल्स लग गया है, और उस वाले रूम में भी लग गया है, ये देखिए। तो दोस्तों पापा लोग को घर दिखा दिए है पूरा, जितना काम हुआ है घर में। तो ऊपर जा नहीं सकते, अभी सेटरिंग हो रहा है ऊपर, तो ऊपर जाने को मना किया अभी। तो लगता तो है कि 2-3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, पर अभी काम थोड़ा स्लो चल रहा है, काम स्लो चल रहा है, लेकिन 2-3 महीना तक कंप्लीट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों घर का काम तो ठीक ही चल रहा है, तो सब लेट हो रहा है, लेकिन आराम से काम होता तो अच्छी तरह से होता है। और हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है, तो उतना ज़्यादा प्रेशर दे नहीं सकते हैं ना। सौरभ काम करा रहा है सब, तभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, निकल के यहाँ जामतला भी जाएंगे, फिर जामतला में भी रुकेंगे एक दिन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग वहाँ से। दोस्तों घर तो दिखा दिए जितना बना, अभी और भी काम चल ही रहा है, तो जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तो अच्छी तरह से दिखा देंगे घर मेरा। तो देखिए मेरे पीछे मेरा यही वाला मेरा घर है। दोस्तों जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तब मतलब अंदर जाकर एक रूम करके आपको दिखा देंगे कितना काम हुआ, कैसे क्या हुआ सब। दोस्तों हम लोग निकलना भी है, क्योंकि जाना भी जामतला, वहाँ माँ के पास रुकना है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा जामतला का, और फिर आगे का भी सफ़र का मेरा। तो इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।